साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला है। भाजपा गांव गरीब के लिए बड़े विजन और बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों की सारी शक्ति गांव देहात को पिछड़ा बनाए रखने में लगती है। इस मानसिकता का सबसे बड़ा नुकसान अमरोहा और पश्चिमी यूपी जैसे क्षेत्रों को उठाना पड़ा है। ये इलाका दिल्ली और एनसीआर के इतने करीब है, लेकिन दिल्ली एनसीआर का जो फायदा अमरोहा को मिलना चाहिए था वो पहले मिला क्या? योगी जी के आने से पहले मिला क्या? दिल्ली में भाजपा सरकार बनने से पहले मिला क्या? इंडी गठबंधन वालों के दौर में यूपी की पहचान पिछड़ेपन के कारण होती थी, लेकिन आज वही यूपी देश में एक्सप्रेस वे वाले प्रदेश के तौर पर हिंदुस्तान जानने लगा। आज यूपी में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं अमरोहा और गजरौला के। रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। हर रूट पर वंदे भारत जैसी ट्रेनों का विस्तार हो रहा है। हमारे अमरोहा में यहीं पास में गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है। साथियों, कनेक्टिविटी के इन सारे कार्यों का लाभ अमरोहा के उद्योगों और कामगारों को हो रहा है। भाजपा सरकार देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए टेक्सटाइल पार्क बना रही है। इसका लाभ भी अमरोहा के गारमेंट उद्योग को मिलेगा और उससे ज्यादा रोजगार पैदा होंगे।